गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन हाउ आर यू ऑल आई होप यू आर वेरी वेल एट यूर होम विथ यो में हमने चैप्टर इलेवन वही हमने ये पूरी का देखा था. And मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए थे कुछ अंडरलाइन वर्ड्स थे आपके हार्ड वर्ड्स के जिसे मैंने आपको सी डब्ल्यू नोट्स में राइट डाउन करने को कहा था आई होप आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा सी डब्ल्यू नोट्स में नाउ टर्न योर पेज एंड कम टू द पेज नंबर सेवेंटी सेवन जीरो सेवनटी पेज नंबर हियर आर गिवन सम पैराग्राफ्स एंड सम सम्रंस दे आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ ठीक है दे डू वो अपने बारे में बता रहे हैं ठीक है कि उन्होंने क्या क्या किया है वैकेशंस uh, के दरमियान वेडिंग सेरेमनी के दरमियान ओके okay? तो वो अपने बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमें बता रहे नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड आई वेंट टू माई अंकल्स लिव्स इन दिल्ली। ये जो गर्ल्स है वो बोल रही है कि मैं मेरे अंकल के घर गई थी एंड जो दिल्ली में रहते हैं अर्लियर वी यूस्ट टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिस हाउस इन अ बस हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और उनके घर पर पहुंचने के लिए हम बस का यूज करेंगे बट दिस टाइम लेकिन ये समय इट वॉज अ ग्रेट फन लेकिन ये जो समय था हमारे लिए वो क्या था बहुत ही हमारे लिए फन टाइप था इंजॉयबल था वी वेंट बाय द ट्रेन हम ट्रेन के थ्रू जाएंगे विच थ्रू अ अंडरग्राउंड टूनल जो अंडरग्राउंड टू से होकर गुजरती है जो ट्रेन होती है वो कहां से गुजर रही है अंडरग्राउंड टू से ठीक है जैसे कि ब्रिज होता है और नीचे अंडरग्राउंड्स होता है ठीक है लैंड के नीचे अंडरग्राउंड्स बनाया दिया जाता है ऊपर ब्रिज होता है ब्रिज का पुल होता है तो वो ट्रेन कहाँ से गुजर रही है अंडरग्राउंड टू से वी डिड नॉट इवन कम टू नो दैट कार वी आर रनिंग ऑन द रोड अबाउट द टू हमें नहीं पता था और के ये जो कार्स है वो रनिंग कर रही हैं ऑन द रोड रोड के ऊपर अबो द टूनल्स नीचे अंडरग्राउंड टूनल्स होता है और ऊपर रोड्स होती है ब्रिज के ऊपर ठीक है तो हमें ये नहीं पता था हम ये नहीं जानते थे कि कार अबो द रोड्स यानी ऊपर से गुजर रही है टूनल्स के ऊपर से नाउ सेकेंड दिस वन बॉय इस माई बुआस वेडिंग मेरी बुआ की वेडिंग थी मेरी बुआ की शादी थी आई मैट मैनी रिलेटिव मैं बहुत सारे रिलेटिव से मिला रिलेटिव मीन्स हमारे जो संबंधी होते हैं सगे संबंधी होते हैं रिलेशनशिप वाले होते हैं उसे हम रिलेटिव कहते हैं वी टाइम ईटिंग्स हम हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम था ईटिंग के लिए ड्रिंकिंग के लिए एंड एंड and playing यानी हमारे लिए एक अच्छा समय था ईटिंग के लिए खाने के लिए ड्रिंकिंग के लिए मींस पीने के लिए एंड प्लेइंग के लिए खेलने के लिए भैया came from america in a in an aeroplane हमारे जो भैया थे वो अमेरिका से आए थे एरोप्लेन में बैठकर इमेजिन सोचो गेस करो आप गेस करो He came from so far, but reaches in one day. आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो प्लेन होती है वो बहुत ही दूरी से जल्दी आती है बट रिचेज इन वन डे और वन डे में ही हमें पहुंचा देती है ठीक है तो ये जो एयरप्लेन है वो एक ऐसा फास्टेट ट्रांसपोर्ट्स है जो बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग डूरेशंस में बहुत ही लॉन्ग टाइम में अरे बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को बहुत ही जल्दी कवर कर लेता है ठीक है बुआ लुकेट वेरी ब्यूटीफुल्स जो बुआ थी उनकी वेडिंग थी और बुआ कैसे दिख रही थी बहुत ही सुंदर दिख रही थी वैन वॉज गोइंग इन द ये इस तरीके से स्टूडेंट्स डोली होती है ठीक है जो किसमें जा रही थी बैठकर इस तरीके से डोली में ओके नाउ सी आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरेला अब ये जो है वो इस पैराग्राफ्स को बता रही है अपने बारे में बता रही है आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला मैं मेरी नानी के घर गई थी जो केरला में रहती हैं वियर सी लिवस जो वह रहती हैं यानी केरला में वो वहाँ पर रहती हैं देर इज वाटर एवरी वियर्स ठीक है वहाँ पे सब जगह एवरीवेयर्स में सब जगह वहां पे वाटर ही वाटर है फ्रॉम द स्टेशन से वी कुड हैव अ बस स्टेशन से हमने एक बस टेक की एक बस पकड़ी और टू कार टू रीच हर हाउस और हम उनके हाउस पर पहुंचे बस और कार के थ्रू इंस्टेट वी टू बोट स्ट्रेट टू हर हाउस और उसके बाद हमने एक बोट्स ली एक स्ट्रेट बोट ली उनके घर पहुंचने के लिए इट फेल्ट लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड अ फन ये थोड़ा सा हमें फील कराता है स्ट्रेंज का लेकिन इसमें हमें बहुत ही मज़ा आया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ किया था उनके घर पहुंचने के लिए ठीक है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगा और वो थोड़े स्ट्रेंज भी हुए थक भी गए और थोड़ा उन्हें मज़ा भी आया ठीक है नाउ सी

यानी जो ऊपर उप, बहुत हाईली माउंटेन होते हैं जो हिली एरिया होता है स्टूडेंट्स वहाँ के जो रोड्स बने होते हैं इट्स लाइक अ जिग जैग ओके वो रोड्स होते हैं जिग जेग टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ऊंचे अप एंड डाउन वाले रास्ते होते हैं ठीक है वहाँ पे तो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ऊपर नीचे वाले रास्ते होते हैं उसे हम जिग जैग रोड बोलते हैं ओके तो हाईली माउंटेन पर हमारी बस ऐसे मूव कर रही थी वहाँ का जो रोड था वो जिग जैग वाला था इट वॉज़ अ वेरी स्कैरी ये बहुत ही स्कैरी था स्कैरी मीन्स बहुत ही डरावना था ठीक है वहाँ के रोड्स अप एंड डाउन होते ऊपर नीचे होते हैं और टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं और बहुत ही पतली पतली सड़कें होती हैं वहाँ पे वहाँ की जो रोड्स होती हैं तो वहाँ पे बहुत ही बहुत ही सी वो क्या था बहुत ही स्कैरी था बहुत ही डरावना था वैन वी लुकेट डाउन जब हम नीचे की तरफ देखते थे हिली हाँ, माउंटेन्स को हम नीचे की तरफ जब हम देखते थे, थे तो हमें स्कैरी स्कैरी लगता था बहुत ही डरावना लगता था वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला हमने शिमला में बहुत ही लंबे दूरी तक वॉक किया था माई दादी वुड गेट अ ट्राइड वेरी क्विकली मेरी दादी थी बहुत ही थक चुकी थी जल्दी थक चुकी थी वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स हमने एक राइड्स बनाई थी हॉर्स पर राइडिंग करने के लिए ठीक है आई नेवर गॉट ट्राइड हम नहीं थके हुए थे आई एंजॉय वॉकिंग और हम वॉकिंग करके हमने इंजॉय भी किया था नाउ दिस गर्ल इज से माई मासी लिव्स वेरी क्लोज टू अवर हाउस मेरी जो मासी है वो हमारे हाउस से बहुत ही क्लोज में लीव करती है

बहुत ही क्लोज में ही रहती है ठीक है ज्यादा दूरी पर नहीं लेकिन बहुत ही क्लोज में ही रहती है और जब भी मुझे फील होता है तो मैं जल्दी से अपनी बाइसिकल्स लेती हूँ और रश करती हूँ अपनी बाइसिकल्स को वो जगह पर जाने के लिए माँ एंड छोटू हैव टू टेक हैव टू टेक टू गो टू नानीस हाउस यानी मेरी जो माँ और मेरे छोटू है वो इस तरीके से रिक्शा गाड़ी आती है उसका यूज करते हैं मेरे नानी के हाउस पर जाने के लिए ओके नाउ दिस बॉय से आई वेंट टू माई मामा जी विलेज मैं मेरे मामा जी के गांव गया था फ्रॉम द रेलवे स्टेशन दियर इज नो बस गोइंग टू हिज विलेज रेलवे स्टेशन से देयर इज नो बस कोई भी बस उनके विलेज नहीं जा रही थी नहीं जा रही थी सो वी वेंट इन अ बुलक कार्ट इसलिए हमने एक बुलक कार्ट यूज किया वी क्रॉस lush green fields और हमने lush green field lush green field क्या होता है जो हरे भरे खेत होते हैं ठीक है वहां पे हमने lush green field को क्रॉस किया हरे भरे खेतों को क्रॉस किया ऑन द वे टू द विलेज यानी गांव के रास्ते में जो हरे भरे खेत थे ठीक है वहां से हमने क्रॉसिंग करना चालू किया उसको हमने क्रॉस किया हरे भरे खेतों को आई लव द साउंड मुझे बहुत ही पसंद थी आवाज़ें साउंड ऑफ द बेल्स टाइट अराउंड द नेक ऑफ़ द बल्ब यानी जो बल्ब होती है उनके गले में इस तरीके से बैल होती है घंटियाँ लगी होती है ठीक है तो वो जब बुलक चलती है ना तो ये बल्ब के गले में जो बैल होती है वो साउंडनेस करती है वो बजती है ठीक है तो ये बॉय बोल रहा है जब वो न, बुल्स के नेक में गले में जो बेल uh, लगी थी वो साउंडनेस करती थी तो वो आवाज़ मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी ओके okay? तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है ओके okay? ये चैप्टर्स हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स मैंने लिखवा दिए हार्ड वर्ड्स आपने शायद लिख लिए होंगे नहीं लिखे तो मैंने जो अंडरलाइन किए वो आपको लिखने हैं इसके रिमेंबर पॉइंट्स और वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूँगी Okay, now take care all of you. Bye bye. Stay at your homes and be healthy.